तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन और 7.9 डिस्कस कर रहे थे, और हम इसमें से 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं तो 7.9 आज हमारी खत्म हो जाएगी। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसके काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, हमें ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 3 क्वेश्चन पर सेकंड थर्ड, हम इसको 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ये लिमिट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को एक काम और भी कर सकते हैं, पहले आप इनडेफिनेट की तरह सॉल्व करिए, जैसे आप पहले इनडेफिनेट पढ़ा था फिर डेफिनेट पढ़ा है, तो आप इनडेफिनेट सॉल्व करिए और फिर आपने लिमिट रख दीजिए। देखिए हम बताते हैं आज कैसे, आप ऐसा करिए, इसका जैसे कोसेक एल डी एस का करना है पाई बाई फोर और पाई बाई सिक्स, लिमिट अपर लिमिट पाई बाई फोर और लोअर लिमिट पाई बाई सिक्स, कोसेक एल का करना है, तो आप ऐसा करिए लेट कर लीजिए, पहले लिमिट पर लगाइए, पहले लिमिट ना लगाइए, लास्ट में लेट कर लीजिए कि पाई आई इक्वल टू कोसेक एक्स है, क्या है कोसेक एक्स डी एस, अब इसका करना है आपको, ठीक। तो आप जानते हैं इसका क्या होता है आपका कोसेक एक्स का, इसको तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक, ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसको तो आप लिमिट लगा दीजिए, जब बड़े क्वेश्चन हुआ करे तब आप इनडेफिनेट पहले सॉल्व करें फिर डेफिनेट में, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, देखिए पाई बाई सिक्स और पाई बाई फोर आपने लेट कर लिया आप, अच्छा अच्छा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोसेक एक्स का होता क्या है इंटीग्रेशन, तो कोसेक इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल होता है आई वर्ग, आई तो माना ही है, उसका होता है लॉग मॉड कोसेक कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक यही होता है ना, अच्छा जब हो गया तो फिर अब इसकी लिमिट, लिमिट क्या लगेगी, अपर लिमिट पाई बाई फोर है, लोअर लिमिट है पाई बाई सिक्स, ठीक, अच्छा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपर पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर, पहले अपर रखिए तो लॉग कोसेक पाई बाई फोर, पहले एक्स की जगह क्या हो जाएगा पाई बाई फोर, ये अपर लिमिट रख दिया हमने, ठीक, ये अपर लिमिट होगी, ठीक, अच्छा अपर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट ये मॉड है यहाँ पर, ये मॉड, तो अपर लिमिट रखिए फिर माइनस लगाया लोअर लिमिट, थोड़ा इधर से लिख लीजिए जगह बन जाएगी, आई इक्वल टू लॉग कोसेक पाई बाई फोर माइनस कॉट पाई बाई फोर, ये तो हमने अपर लिमिट रख दी, ठीक, अच्छा। फिर अब हम लोअर लिमिट रख रहे हैं लॉग कोसेक पाई बाई सिक्स माइनस कॉट पाई बाई सिक्स, ठीक, ये देखिए हमने लिमिट रख दी और इसको क्लोज कर दिया, पहले रखने का ढंग क्या होता, अपर लिमिट रखिए तो अपर लिमिट रखिए पाई बाई फोर, पाई बाई फोर देखिए पाई बाई फोर लॉग लगाइए, फिर माइनस पार्टनर में होता है, फिर क्या होता है लोअर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या है देखिए पाई बाई सिक्स रखा लॉग के साथ, तो अपर लिमिट पहले रखा फिर माइनस होता है फिर लोअर लिमिट रखा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई बराबर लॉग कोसेक पाई बाई फोर यानी कॉस 45, कॉस 45 वैल्यू कितनी होती है रूट टू, कितनी होती है रूट टू, ठीक, अच्छा कॉट कॉट पाई बाई फोर यानी 10 पाई बाई 45 जिसकी 1 होती है, कितनी होती है 1, ये हमने रख दिया, कोसेक 45 की वैल्यू हमने रख दी रूट टू क्योंकि साइन 45 बना पा रूट टू होता है, तो इसका अपोजिट रूट टू है, कोसेक 45 है ना ये रूट टू और कॉट पाई बाई फोर ये भी 45, कॉट 45 वैल्यू 1 हो गई, अच्छा इधर आ जाइए लॉग कोसेक पाई बाई सिक्स यानी कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कितनी होती है 2 और कॉट पाई बाई सिक्स कॉट पाई बाई सेवन टेन टेन थ्री जिसकी वैल्यू होती है रूट 3। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं पता है तो आप रिवर्स करके देखिए, कोसेक पाई बाई फोर जैसे साइन 45 होता है मैंने रूट टू जिसका रूट टू हो जाएगा, तो 10 45 होता है 1, तो कॉट 45 भी 1 हो जाएगा, कोसेक पाई बाई सिक्स यानी अगर मैं कोसेक पाई बाई 30 तो अगर साइन 30 बना पॉइंट टू होता है तो कोसेक तो हो जाएगा 30 2 हो जाएगा, जैसे कॉट पाई बाई सिक्स तो कॉट पाई बाई सिक्स में नहीं होने कॉट 30, अगर 10 30 देखते हैं तो मैंने पॉइंट रूट 3 आता तो इसका अपोजिट रूट 3 आएगा, तो हमने सारी वैल्यू करके एक एक करके रख दी। अब आपको पता होना चाहिए लॉग ए माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन लॉग एन एक होता है भाई, ये एम मान लीजिए इसको एम मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम अपॉन, इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये तरीका आपका हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा ये आंसर, ठीक। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करिए
जीरो से टू लिमिट है सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डीएक्स है क्वेश्चन मार्क, यानी इसका करना इंटीग्रेशन। तो आप क्या करिए, लेट करिए, क्या करिए, लेट करिए कि आई बराबर, पहले हम इंडेफिनिट, जब क्वेश्चन बड़ा हो ना, लार्ज छोटा था तो डायरेक्ट लिमिट लेके चलो, कोई दिखा नहीं। क्वेश्चन अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो आप ऐसा करिए कि लिमिट बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक, वैसे इसमें तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ट्रिक से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, आई बराबर इसको अलग अलग करिए, सिक्स एक्स, सिक्स एक्स अपान ये और यहाँ डी एक्स है और थ्री अपान एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ है डी एक्स, लिमिट है आपकी जीरो से टू, हमने कुछ नहीं किया, सिक्स एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू और प्लस थ्री अपान एक्स स्क्वायर प्लस फोर कर दिया। अब इसको और अलग अलग करिए जरा, जीरो से टू सिक्स एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये कर दिया, ठीक, और थ्री पॉइंट थ्री यहां हो जाएगा थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, लिमिट लगा दिया जीरो से, ठीक है ना। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस फोर को मानेंगे, अगर नीचे मानेंगे तो आ जाएगा पर टू एक्स प्लस जीरो आएगा, यानी टू एक्स आएगा, कितना आ जाएगा टू एक्स आएगा, तो ऊपर तो सिक्स एक्स है, तो क्यों ना करें ऐसा, करें इससे थ्री बाहर कर दे, थ्री बाहर कर दीजिए और यहाँ टू एक्स लिखिए, तो बात तो वही है ना। ये देखिए, हमने कुछ नहीं किया, सिक्स एक्स को सिक्स को थ्री इंटू टू नहीं सकते, थ्री बाहर कर दीजिए, टू ऐसे रहने दीजिए क्योंकि टू एक्स का काम है। अच्छा, यहाँ थ्री तो कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, जीरो से टू तो वन अपान क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करिए, देखिए अब आप नीचे मानेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस फोर को टी मानेंगे तो हमें पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स होता है, फोर का होता है जीरो और डी डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स डी एक्स, इधर आ जाएगा टू एक्स डी एस बार डी टी, अगर टू एक्स डी एस बार डी टी आ जाएगा तो ये बन जाएगा डी टी टू एक्स डी एस या डी टी और नीचे से क्या हमने टी, तो वन ये वन अपॉन टी बन जाएगा, वन अपॉन टी क्या होता है लॉग टी, क्या होता है लॉग टी, तो यहाँ पर आप जो आपका आ जाएगा लॉग टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा लॉग टी, ठीक, यहाँ हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, ठीक, लेकिन टी की जगह है कितना आपका, मानेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस, आप ये डायरेक्ट करिए, आप इतना डायरेक्ट करना सीख लीजिए, तो ये वन अपॉन टी लॉग टी ये हो गया। अच्छा, लिमिट क्या है, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट है टू से जीरो, यहाँ दिए थ्री। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये आसानी से हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस फोर को लिखिए टू स्क्वायर और यहाँ पर डी एस लिखिए, ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, थोड़ा फंडामेंटल इसका ध्यान रखिए क्या हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना और आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, बना पाने टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, तो इसमें यही अप्लाई होगा। अब इधर आ जाइए जरा, आई बराबर थ्री, यहाँ रख दीजिए अपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा पहले टू रखना तो टू का स्क्वायर ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ तो आ जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस फोर, ये देखिए हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रख दिया, ठीक है, पहले अपर रखा टू तो टू का स्क्वायर प्लस फोर हो गया, ठीक, फिर माइनस का गया लोअर लिमिट रख दिया यानी जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस फोर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, तीन तो बाहर आई है। अच्छा अच्छा, यहाँ ये तीन पढ़ना क्या होता, वन अपान ए, वन अपान ए की जब ये एक्स का काम, ये कितना है टू है, टेन इनवर्स एक्स अपान ए यानी एक्स अपान टू यही हो जाएगा, ठीक। अच्छा अच्छा, ये हो गया है तो इसके, अच्छा यहाँ लिमिट क्या थी जीरो से टू, ये हो गया तो लिमिट हो जाएगी यहाँ से टू से जीरो, देखिए वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए हो गया। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए आई बराबर तीन, सॉल्व करिए, यहाँ पर लॉग टू का स्क्वायर फोर, फोर 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 कितना हो गया एट, कितना हो जाएगा एट। अच्छा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो का स्क्वायर जीरो, ये फोर लॉग फोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा लॉग फोर हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, ये तो इसका हो गया, फिर यहाँ दे, अच्छा ये टू बाहर कर दिए तो टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट आप बाहर कर सकते हैं, तो प्लस थ्री अपॉइंट टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्री अपॉइंट टू बाहर हो जाएगा। अच्छा, ये लिमिट क्या है, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा टेन इनवर्स यानी टू अपॉइंट टू हो जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो जाएगा जीरो अपॉइंट टू, ये भाई हमने क्या किया अपर लिमिट टू लगा दी माइनस लोअर लिमिट लगा दी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आई बराबर तीन, लॉग एन माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा लॉग एम अपान एन यानी लॉग एट अपान फोर हो जाएगा। अच्छा, ये तो यहाँ हो गया, यहाँ जाओ तीन बटे दो। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा टेन इनवर्स
क्या आ जाएगा वन, टेन इनवर्स वन, और यहाँ क्या आ जाएगा टेन इनवर्स जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक। अच्छा एक स्टेप और यही कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो आपका आ जाएगा थ्री, एट अपॉन फोर क्या होता है लॉग टू, क्या होता है लॉग टू, ये हो जाएगा प्लस थ्री अपॉन टू, यहाँ थ्री अपॉन टू हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करिए, यहाँ टेन इनवर्स, ठीक। अच्छा वन किसकी वैल्यू, टेन पैंतालीस की, टेन पैंतालीस को बोलते हैं टेन पाई बाई फोर, ये हो गया, ठीक है। अच्छा माइनस आ जाइए, यहाँ पर टेन इनवर्स और जीरो किसकी वैल्यू होती है टेन जीरो की, किसकी वैल्यू होती है टेन जीरो, यहाँ ये, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ देखिए कितना है टेन इनवर्स लिखा, वन की मत वन का मतलब होता है टेन पाई बाई फोर, माइनस है ये टेन इनवर्स है और जीरो किसकी वैल्यू होती है टेन जीरो की वैल्यू, ठीक। अच्छा पूरा सॉल्व, यहाँ ब्रैकेट क्लोज है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फाइनल लाइन का आंसर, यहाँ थ्री लॉग टू, थ्री यहाँ आई बराबर आ गया थ्री लॉग टू, ये हो गया प्लस थ्री अपॉन थ्री अपॉन टू, अच्छा टेन इनवर्स टेन का डिसील हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई अपॉन फोर, ठीक है टेन इनवर्स टेन कैसे पाई बाई फोर, यहाँ टेन इनवर्स टेन कैसे जीरो, क्या आ जाएगा जीरो, ये आ गया। और एक लाइन देखिए बस लास्ट लाइन, तो यहाँ पर आपका आ गया थ्री लॉग टू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा थ्री पाई अपॉन एट, कितना आ जाएगा थ्री पाई अपॉन एट, ये थ्री पाई अपॉन एट, ये रहा आपका आंसर। कुछ नहीं किया थ्री लॉग टू हो गया, ये थ्री पाई हो गया और फोर दूजा एट हो गया, ठीक। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई होप क्लियर जरूर होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये थ्री पाई है याद रखिएगा, ये थ्री है, कितना है थ्री, क्योंकि कैसे थ्री है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए ये थ्री पाई भाई पाई बाई फोर मैंने जीरो पाई बाई फोर, तो थ्री पाई और फोर टू जा एट हो गया, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है तो आप लोग लेट कर लीजिए आई बराबर जीरो से टू बाई थ्री, ठीक वन अपॉन फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है, ठीक। तो आप क्या करिए आई बराबर इसमें काम के देखिए ये कॉन्स्टेंट सही है लेकिन यहाँ कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ, जब कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ होते हैं तो हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ नाइन कॉमन ले लीजिए, क्या करिए नाइन कॉमन ले लीजिए, तो जब आप नाइन कॉमन लेंगे तो ये फोर अपॉन नाइन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट समझिए ये कॉन्स्टेंट सही है आपका, यहाँ नहीं सही है कॉन्स्टेंट है वेरिएबल, कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए नाइन कॉमन लिया तो फोर अपॉन नाइन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए ये नाइन बार कर दीजिए वन अपॉन नाइन बार हो गया, जीरो से टू बाई थ्री हो गया, अच्छा वन अपॉन ये एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए और फोर अपॉन नाइन का मतलब होता है टू अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, और यहाँ डी एक्स, अभी आपको फॉर्मूला पता है, अभी यही वाला फॉर्मूला बन गया वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला, तो वही अप्लाई कर दीजिए वन अपॉन नाइन तो ऐसे रहेगा वन अपॉन ए कितना एक जगह टू अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स जगह एक्स और एक जगह टू अपॉन थ्री, अब लिमिट क्या है आपकी टू से टू बाई थ्री से जीरो, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बस लिमिट अपर लिमिट क्या है टू बाई थ्री और लोअर लिमिट क्या है जीरो है, ठीक। अब आप वैल्यू रखिए यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सॉल्व करिए ये तीन को ऊपर जाएगा तीन ऊपर जाएगा दो नीचे, तो वन अपॉन नाइन और थ्री अपॉन टू बाहर, थ्री अपॉन टू बाहर हो जाएगा बाई ओ थ्री और ये टू थ्री अपॉन टू बाहर करिए और यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स थ्री एक्स, थ्री एक्स कितना आ जाएगा थ्री एक्स अपॉन टू, ठीक। और लिमिट क्या है आपकी, लिमिट है आपकी टू बाई थ्री और यहाँ जीरो, अच्छा यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा यहाँ थ्री से कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा वन अपॉन सिक्स आ जाएगा। अच्छा अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखिए, ये अपर लिमिट तो अपर लिमिट थ्री बाई टू और एक्स कितना रखेंगे टू बाई थ्री, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस का लोअर लिमिट यहाँ लगा दीजिए, जगह नहीं है अगर माइनस लोअर लिमिट यहाँ लगा दिए तो यहाँ पर थ्री इंटू जीरो अपॉन टू ये लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट टू बाई थ्री रखिए और लोअर जीरो थ्री, तो आई बराबर अब यहाँ पर देखिए आई बराबर वन बाई सिक्स, यहाँ पर देखिए टू टू कैंसिल थ्री थ्री कैंसिल तो टेन इनवर्स कितना आ जाएगा टेन इनवर्स वन आएगा, ठीक। और यहाँ पर फिर माइनस क्या हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो, ये आ गया। तो आई बराबर आपको पता होना चाहिए फिर टेन इनवर्स, ठीक इसको आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा है टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन को अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है यहाँ लिखा हुआ है टेन इनवर्स वन, तो टेन इनवर्स वन लिखा है और टेन इनवर्स जीरो लिखा है, ठीक है टेन इनवर्स वन और टेन इनवर्स जीरो, तो यहाँ पर टेन इनवर्स वन किसकी वैल्यू होती है टेन पाई बाई फोर की, यहाँ ये और टेन इनवर्स
जीरो किसकी वैल्यू होती है, टेन जीरो की, तो यहाँ पर टेन वर्स टेन कैन सिर्फ पाई बाई फोर आ जाएगा, ये टेन वर्स टेन कैन सिर्फ जीरो आ गया, सिर्फ पाई बाई फोर आएगा, पाई बाई फोर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा पाई बाई फोर, यहाँ आएगा जीरो, ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन सिक्स फोर या 24, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। आप यहाँ से लाइन खींच लीजिए, ये आपकी ये लाइन, ठीक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपकी लाइन, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपॉन 24 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ से स्टेप समझ लीजिएगा, जो टेन इनवर्स वन और टेन इनवर्स जीरो है वो हमने यहाँ टेन वन वन का टेन बाई फाइव टेन फाइव बाई फोर टेन टेन वर्स टेन कैन सिर्फ फाइव बाई फोर और टेन इनवर्स जीरो है तो जीरो का मतलब होता है टेन जीरो तो टेन वर्स टेन है तो जीरो आ गया तो यहाँ फाइव बाई फोर माइनस जीरो वही हमने फाइव बाई फोर माइनस जीरो लिख दिया अब ये पाई और सिक्स फोर 24 तो इस तरीके से हमारी 7.9 खत्म होती है। आप एक नहीं दो बार वीडियो देखिएगा और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए, हम डेली आपको रिवीजन भी करा रहे हैं। थैंक यू।